to you. Happy birthday, King Natima. आज अच्छी भाई का बर्थडे है. Hey guys, welcome back to my YouTube channel SAP Vlogs. How you all are doing? Hope all of us are doing extremely very well. So Delhi से लेके ग्वालियर तक हम लोग आए थे वंदे भारत एक्सप्रेस से. अभी हम लोग ग्वालियर से जा रहे आगरा, वो भी एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन से, पुरानी किंग से, अपनी गतिमान एक्सप्रेस. और वो ट्रेन 160 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से दौड़ती है. बट हम लोग ग्वालियर से जाके आगरा तक जा रहे हैं, वहाँ पे 130 दौड़ेगी. बट आगरा के बाद 160 दौड़ेगी, वो इस व्लॉग में आपको नहीं मिलेगा. बट इस व्लॉग में गतिमान एक्सप्रेस का अभी का क्या हाल है, फूड रिव्यू तो हम लोग नहीं करने वाले क्योंकि केटरिंग में हमने फूड ऑप्ट नहीं किया है. हमने सिर्फ 450 रुपीज भरे ग्वालियर से लेके आगरा तक, और केटरिंग चार्ज 180 था, वो माइनस हो चुका है. और बाहर का माहौल काफी मस्त हो चुका है. गतिमान एक्सप्रेस 4:05 को यहाँ से निकलती, और गतिमान एक्सप्रेस में भी फिलहाल ऑटोमेटिक डोर लगाए गए, मतलब नॉर्मल LHB ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर है, वो भी आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे. तो चलिए क्विकली अंदर जाते क्योंकि गतिमान एक्सप्रेस हमारा इंतजार कर रही है, और देखते हैं गतिमान एक्सप्रेस अपने गति का मान रखती है या नहीं. चलिए गतिमान एक्सप्रेस आ चुकी है, तो देखते हैं ये अपने गति का मान रख पाती है या नहीं. और हमारे सारे दोस्त हमारे साथ है, पूरी वंदे भारत गैंग. इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन रियल की गतिमान एक्सप्रेस आ चुकी है, और काफी एक्साइटेड हूँ. आगरा के बाद ही 160 चलेगी, बट हम लोग 120 के मजे लेने वाले ग्वालियर से लेके आगरा. सब लोग ब्लॉक कर रहे हैं. तो हम लोग ग्वालियर से निकल चुके हैं, इसमें ऑटोमेटिक डोर लगाए गए, एक काम तो नहीं कर रहे. तो चला है, उसे डिपार्चर दिखा सकते हैं हम लोग. गतिमान एक्सप्रेस से ग्वालियर से प्रस्थान कर रहे हैं, और वहाँ पर खड़ी है अंडमान एक्सप्रेस जो 15-20 मिनट पहले ही आ चुकी थी. हम लोग उसको यही ग्वालियर में ओवरटेक कर रहे हैं. डोर काम क्यों नहीं कर रहा है, डोंट नो. तो चलिए अंदर जाते हैं, इंटीरियर्स तो चेयर करके दिखाता हूँ. यहाँ पे दिव्या मैम ब्लॉक करते हुए ये 2x3 कंपोजिशन नॉर्मल चेयर कार अपना, और हम सबकी फेवरेट सीट हमें अलॉट हुई है टेबल वाली, और पूरी की पूरी गाड़ी खाली है. यहाँ पे श्रेयान सर है फ्रॉम रतलाम जंक्शन. एक रिव्यू देना चाहूंगा मैं, हम लोग वंदे भारत में भी ट्रैवल करके आ रहे हैं. हाँ, और सीट से अगर कंपैरिजन किया जाए ना, हाँ, तो ये सीट बहुत कंफर्टेबल है. वंदे भारत से कंफर्टेबल है ना, नो डाउट. और डोर भी खुले, और वेब फाइल लगा है गाड़ी को. हाँ, बंद भी नहीं होंगे. डोर बंद, ऑटोमेटिक डोर लगा है, बट खुल खुली रह गए. नहीं, वो बंद नहीं होंगे, खराब ही होंगे, मैकेनिज्म ही खराब होगा. हां जी, व्लॉग्स भी यहाँ पर है, सब व्लॉग करेंगे आज. और हम लोग तो गतिमान एक्सप्रेस में हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है ग्वालियर से लेके आगरा तक. हमने इसमें 450 रुपीज़ पे किए ग्वालियर से लेके आगरा तक, बट हमने केटरिंग ऑफ नहीं किया है. बट फिर भी हमें पानी की बॉटल मिलती है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है. तो राजधानी शताब्दी दुरंत तो सब में आपको पानी मिलते हैं, अगर आपने केटरिंग नहीं लिया फिर भी आपको पानी मिल जाता है. लेकिन ये रेलवे ने कॉस्ट कटिंग किया है, शताब्दी और गतिमान में केवल हाफ ही लीटर की बॉटल आपको मिलेगी. अगर आप एंड टू एंड भी ट्रैवल करोगे तो केवल हाफ लीटर की बॉटल आपको मिलेगी. मुझे तो ये थोड़ा गलत लगा है क्योंकि इसमें क्या कुछ नहीं होगा किसी का, मैंने बाकी लोगों से भी राय जानते हैं उनका इसके ऊपर क्या सम्मति है. सो सत्य भाई हमारे साथ है, अंजी भाई सर. सत्य आपको क्या लगा है शताब्दी? रेलवे ने इस कदम को इसलिए उठाया था क्योंकि पहले 1 लीटर की बॉटल जो सर्व होती थी ना हर पैसेंजर, उसमें से 50% बॉटल्स का ऑलमोस्ट वेस्टेज होता था. लोग क्या करते थे, 2 सिप मारेंगे पूरी बॉटल छोड़ देंगे, इसलिए इसको लाया गया है. लेकिन आप एक और बॉटल 16 घंटे के अंदर ले सकते हो फ्री में, ये रेलवे का नियम है. 16 आवर्स, और 16 घंटे बाद ही आपको सेकंड बॉटल के लिए आप एलिजिबल होते हो. पर शताब्दी और गतिमान एक्सप्रेस में हमें 16 आवर्स की जर्नी की जरूरत नहीं पड़ती. स्टिल अगर आपको जरूरत हो आप एक और बोतल मांग सकते हो, आप 1 लीटर के लिए अलाउड हो. ओह नाइस, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन. जैसे इन्होंने बताया वैसे पिज्जा का उद्घाटन 16 अभी शुरू हो रहा है. 2 पिज्जा है, चलिए लेट्स स्टार्ट. ओके, मैं खोल दो, कोई भी खोल दो. वाओ, ये है तंदूरी पनीर. टू यू, हैप्पी बर्थडे किंग नतिमा. पिज्जा पार्टी इन, पहले विश करो.
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अंजी भाई यू। तो गतिमान एक्सप्रेस का सीट देखे जाए तो वंदे भारत से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, इसका कुशनिंग भी अच्छा और इसका पुशबैक भी वंदे भारत के कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा लगा मुझे। वंदे भारत में बैठा था, जो पहली वंदे भारत थी वाराणसी वाली, उसका सीट तो बहुत ज़्यादा स्टिफ था। फिर अभी वंदे भारत 2.0 ने रेलवे ने थोड़ा सीट को इम्प्रूव किया है, बट ये जो शताब्दी वाले कोचेस हैं ना, इसका सीटिंग वंदे भारत से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग चाय पी रहे हैं, चीयर्स चीयर्स। चलिए भैया बाय। आगरा पे डिबोर्ड करते हैं ट्रेन को, लोग गतिमान से उतर चुके हैं और अब लोग देख सकते हो गतिमान एक्सप्रेस में बोर्ड कर रहे हैं दिल्ली की ओर जाने के लिए, क्योंकि यही से वो ट्रेन 160 मारेगी। लगभग 1 घंटा 40 मिनट में ये ट्रेन दिल्ली पहुंच जाएगी। सभी लोग ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। 1.5 घंटे में ग्वालियर से लेकर झांसी की यात्रा हमने इस फास्टेस्ट गतिमान एक्सप्रेस में तय की थी। काफ़ी मज़ा आया, दोस्त साथ में थे, हाई स्पीड एक्शन मिला, 160 नहीं मिला बट 130 मिला, बट गतिमान गतिमान है। सो हमारे दोस्त लोग भी साथ में थे, सब लोग साथ में होते तो छोटी यात्रा भी काफ़ी मज़ेदार होती है। गतिमान हो या जनरल हो, दोस्तों के साथ मज़ा आता है। हमारे संदीप भाई भी साथ थे, तो अभी सब लोग जा रहे हैं। तो बाय। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। दिस इज एसएबी व्लॉग साइनिंग ऑफ फ्रॉम आगरा। बाय। हमारी गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली की ओर निकल चुकी है। सो बाय गतिमान, काफ़ी मज़ा आया शॉर्ट राइड करने में, और हमारी शॉर्टेज जर्नी कंप्लीट हो चुकी है गतिमान एक्सप्रेस में।